कार्य रुक गया, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगारे अपनो जग में होत हसाए। तनिक सी कठिनाई से लोग काम बंद कर देते हैं, अब होगा नहीं। हमारे बंगाली भाई कहते हैं होबे के नाए, अब नहीं होगा, अब नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? कठिन है, दुर्गम है, दुस्तर है, दुसाध्य है, दुर्लभ है, दुर्गम है, दुर्विचार है, नो, अब नहीं होगा, दुसाध्य है, दुसाध्य है, हो ही नहीं सकता। मुझे आपसे प्रार्थना करनी है, जितना दुसाध्य है, दुर्गम है, दुर्लभ है, दुर्विचार है और दुख का कारण है, उसकी एक ही साधन है, जो दुसाध्य है, दुर्गम है, दुर्लभ है, उसका एक ही साधन है, वो दुर्गा, दुर्गा। जब कहा इन्होंने देवताओं ने हमसे नहीं होगा, जब कहा बलि ने हमसे होगा नहीं, सारे इंद्र ने कहा हमसे नहीं होगा, यम वरुण कुबेर ने कहा, और तो और नारायण ने कहा अब हमारे बस का नहीं। महादेव कहने लगे मेरे त्रिशूल में अब बल नहीं रहा। अब जब हो ही नहीं सकता तो दुर्गा, और दुर्गा क्या है? पुरुषार्थ। तो बल प्रकट हुआ, पार्वती ने कहा प्रकट हो जाओ। ये निरीह से प्राणी, भगवान ने कहा हमें बुलाया तो है नहीं, अब बिना बुलाए जाएं तो उन्होंने कहा ना कष्ट में है संतानें, पिता हैं आप, परम पिता हैं, देवादिदेव महादेव हैं, इसलिए चले जाइए। क्योंकि सब असहताश होकर निराश होकर बैठ गए, समुद्र मंथन में से अमृत निकलना है, ये विश्व कुंभ निकला तो निराश होकर बैठ गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा कि जो समाधान कारक है वो महादेव हैं, शिव हैं, उनका ध्यान करना चाहिए। निष्प्रपंचाय शांताय, उस शिव शक्ति का आराधन कीजिए, महादेव महादेव महादेवीति यो वदेत, एकेन लभते मुक्ति, द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। शिव पुराण का ये श्लोक है। शिव पुराण में ऐसा आया है, विकल व्याकुल होकर, असहाय होकर, निरुपाय और अशक्य विवश होकर, साधनहीन गुणहीन होकर, श्रीहीन और सब प्रकार से बलहीन होकर, थक कर, सब तरह से निराश होकर, जब कुछ समझ में ना आए तब एक बात बोलो, मेरे साथ मिलकर बोलो, महादेव।